सेवंथ चैप्टर है फ्रैक्शन का। जैसे हम 7.6 पे फर्स्ट पेज जी क्वेश्चन पे आए पे हमने क्या किया था, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन एलसीएम लेके किया था। आज हम जी पार्ट करेंगे, कौन सा, 3/4 - 1/3। तो क्या लिया था हमने, एलसीएम लिया था इसका। 4/3 का एलसीएम कितना हो गया, 4 × 3 = 12। 12 आ गया, तो क्या करेंगे अब यहाँ पे 12 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 से, और यहाँ पे 12 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 से। तो कितना आ गया, 9/12, क्योंकि डिनोमिनेटर एक ही लाना होता है हमें नीचे, डिनोमिनेटर दैट इज न्यूमिनेटर। तो 4/12 कितना आ गया, 9/4 = 5/12। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट जो है जी की जगह एच पार्ट में हम क्या करेंगे, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन का एच पार्ट क्या है, 5/6, ध्यान से देखो, 5/6 - 1/3 एलसीएम कितना आया, 6 और 3 का एलसीएम 2, 3 और 3। आगे क्या है, 3, 1, 1 डिवाइड 6 आ गया ना, एलसीएम यहाँ पे 6 आया, तो इसको हम 5/6 को यहाँ पे 6 है तो 1/1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 6 लाने के लिए 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है हमारे पास 6 आना चाहिए। तो देन वी सॉल्व 5/6 - 2/6, तो क्या आ गया एलसीएम 6, 5 - 2 = 3/6, 1/2, इज इट क्लियर। अब है आपका आई पार्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है 2+3 + 3/4 + 1/2, तो इसका एलसीएम कितना बना हमारा, 3, 4 और 2 का हमने एलसीएम लिया, 2, 3 और 4 का, 2, 1, 2, ये हो गया ना, 3, 2, 6 और 2, 12, 12 आ गया हमारा एलसीएम। अब 12 है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4/4 से, प्लस 3/4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 प्लस 1/2 इंटू किससे करेंगे, 1/6, ये हो गया ना हमारे पास। तो अब कितना आया, 8/12 + 3/12 + 1/12, ये 12 एलसीएम आ गया, ये आ गया हमारे पास 12/12, आंसर कितना आया, 1। ओके, इज इट क्लियर। आई के बाद कौन सा ऑप्शन है, जे पार्ट में क्या दिया हुआ है, 1/2 + 1/3 + 1/6, ठीक है, यहाँ पे 2, 3 और 6 का एलसीएम लिया, 1, 3 और 2, ये हो गया 3, 2, 6 और 2, 12, एलसीएम कितना आ गया, 12, तो यहाँ पे 12 एलसीएम है, एलसीएम कितना है, 12, ठीक है, ये आपने लिख देना है। 1/2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1/6 से, यहाँ पे किससे करेंगे, 1/4 से, यहाँ पे 1/2 से, इज इट क्लियर। 1/12 + 1/12, ये हमारे पास, ये देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे 12 एलसीएम आ गया, 1 + 1 + 1, 3/12, आंसर कितना आया, 1/4। ओके, आगे है नेक्स्ट जो है के पार्ट, जे के का आंसर है 1/3 + 3/2, इसको कैसे करते हैं बच्चे, 3 को 1 से गुना की और प्लस 1, 4/3 आ गया, प्लस 3 × 9 = 2 = 11/3, यहाँ पे एलसीएम कितना आया, 3, 4 + 11 = 15/3, आंसर कितना आ गया हमारे पास, 5, इज इट क्लियर। के उसके बाद है एल पार्ट, एल पार्ट में हमने क्या करना है,
फोर टू बाय थ्री प्लस थ्री वन बाय फोर, चार तीय इसको इससे गुना करनी है, इसको इससे प्लस कर देनी है। चार तीय बारह और दो चौदह बटा तीन, तीन चौके बारह और एक कितना आया तेरह बटा चार। अब थ्री फोर का एलसीएम कितना आ गया ट्वेल्व, एलसीएम थ्री फोर का कितना आया इज इक्वल टू ट्वेल्व। ओके, थ्री और फोर का एलसीएम। अब यहाँ पे कितना है फोर्टीन बाय थ्री, इसको ट्वेल्व करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे वन बाय फोर से, वेरी गुड। इसको किससे करेंगे वन बाय थ्री से, इज इट क्लियर। यहाँ पे देखिए फोर्टीन बाय ट्वेल्व प्लस थर्टीन बाय ट्वेल्व, ट्वेल्व एलसीएम आ गया, फोर्टीन प्लस थर्टीन ट्वेंटी सेवन बाय ट्वेल्व हमारा आंसर आ गया। ओके, इज इट क्लियर। नेक्स्ट जो है एम पार्ट, एम पार्ट में क्या किया है सिक्सटीन बाय फाइव माइनस सेवन बाय फाइव, सेवन बाय फाइव यहाँ पे फाइव एलसीएम, सिक्सटीन माइनस सेवन नाइन बाय फाइव हमारा आंसर आ गया। ये देखो शॉर्टकट है एकदम, हमने क्या करना है पेपर में क्वेश्चन कितने होते हैं हमारे पास, फोर बाय थ्री माइनस वन बाय टू, एलसीएम कितना आया थ्री टू का सिक्स, सिक्स लाने के लिए क्या किया फोर बाय थ्री मल्टीप्लाई वन बाय टू माइनस वन बाय टू, यहाँ पे सिक्स लाने के लिए वन बाय थ्री, तो कितना आ गया ये वाला पार्ट यहाँ पे देखो फोर बाय सिक्स माइनस वन बाय सिक्स, सिक्स आ गया फोर माइनस वन थ्री बाय सिक्स वन बाय टू हमारा आंसर आ गया। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके।